बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ रीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं अनाउंसमेंट। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं चैलेंज भी कमालिया से, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर ने मुस्लिम लीग नून तहसील सदर के हमरा लोगों के घरों में जाकर सर्टिफिकेट तकसीम किए। इकरा नासिर और तहसील सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सरदार रहेल अनवर ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से अपना घर अपनी छत की स्कीम में बजरिया कुरानदाजी नाम निकलने वाले खुश नसीबों में उनके घरों में जाकर सर्टिफिकेट तकसीम किए। मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सर्टिफिकेट हासिल करने वाले खुश नसीब हजरात ने मरियम नवाज शरीफ के इस मनसूबे को सराहा और हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर इनके साथ तहसील यूथ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाला वसीम गुजर नंबरदार सोहसी तारीख चढ़ी मौजूद थे। मीरपुर मथेलो से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर एएसआई की प्रमोशन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। एएसआई सफीला कोलाची पुलिस चली कम्युनिकेशन इनके प्रमोशन का तकरीबी प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें डीएसपी गोड किराना नसरुल्ला, एसएचओ जुल्फकार अली महर, मुमताज बहर, मसूफ खान, नजीर अहमद यार, मोहम्मद अबरू और दीगर स्टाफ ने शिरकत की, जिसमें सब अफसरान ने एएसआई को फूलों के हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की, ईमानदारी से ड्यूटी सर अंजाम देने की भी दुआ की। पिंडी पटिया की बात करेंगे, जहाँ पर लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद माजिद हफीज की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर हुकूमत पंजाब की जानिब से लाइव स्टॉक कार्ड के रजिस्ट्रेशन का अमल 5 नवंबर से शुरू हो चुका। रजिस्ट्रेशन का तरीका कार नहायत आसान है। मवेशी पाल हजरात को सिर्फ PL से लेकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8070 पर मैसेज करना होगा। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद इन्हें लाइव स्टॉक कार्ड फ्राहम किया जाएगा। प्रोग्राम में जल्दी दरख्वास्त दाखिल करें। उन्होंने कहा कि मवेशी पाल हजरात से गुजारिश है कि वो इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत करके मुस्तफीद हों। इन्होंने मजीद कहा कि मवेशी पाल हजरात के पास कम अज कम 5 से 10 नर जानवर हों, आवाम की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है। अब से आपको बताते चलें, जहां पर पुलिस की जानिब से ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार मसरूका मोटरसाइकिल, नॉन कस्टम पेड गाड़ी और गैर लाइसेंस याफ्ता 9 mm TT पिस्टल बरामद कर ली गई। 3 मुलजमान गिरफ्तार। SHO पुलिस थाना गुडानी राशिद अली गुजंजो ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान मोहम्मद नसीम वल्द गुलाम मोहम्मद कौम फिलहाल सकनाहब और शहजाद वल्द मिजार खान कौम गदोर सकनाहब के कब्जा से फास्ट पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड से 200 मीटर लंबे इलेक्ट्रिकल केबल कांटे वाले औजार और चोरी शुदा होंडा CD70 मोटरसाइकिल और एक 9 mm पिस्टल बमा लोड मैगजीन बरामद करके गिरफ्तार किया। दूसरी कार्रवाई में पुलिस थाना गुडानी ने मुलजिम इरफान वल्जुल्फकार को गिरफ्तार करके कब्जा से नॉन कस्टम पेड ऑल्टो कार बरामद की। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ पुलिस थाना गुडानी में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। मुजफ्फरगढ़ में कत्ल होने वाले सहाफी के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है। सहाफी इशफाक सियाल कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। थाना सिटी पुलिस टीम ने कत्ल केस में मुलविस 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद किया है। मुकदमा में एक सरकारी ऑफिसर की अबूदी जमानत पर है। TPO सैयद हसनैन हैदर की MPH अजमल चांडिया कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया गया कि 6 माह कबल टारगेट किलिंग के दौरान कत्ल होने वाले सहाफी इशफाक सियाल केस में आम पेशरफ्त हुई है। सहाफी इशफाक सियाल को मनसूबाबंदी करके कत्ल किया गया, जिसकी तमाम साजिश को पुलिस टीम ने बेनकाब किया है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तमाम शवाहिद भी इकट्ठे किए। कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुलजमान करीबी रिश्तेदार, जबकि एक मुलजिम को डेरा गाजी खान से बुलवाया गया। सीमेंट फैक्ट्री में मुलाजिम समर सियाल ने भी अपने साथी रमजान के साथ मिलकर गोलियां मारी, जबकि नासिर सियाल और चांद सियाल ने सहूलतकारी की, असलहा और गाड़ी फराहम की। जबकि कत्ल केस में एक सरकारी ऑफिसर अबूरी जमानत पर है, जिनके खिलाफ हो शवाहिद पर तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी और अगर वो बेगुनाही पेश करते हैं तो मेरिट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। उमरकोट से आपको बताते चलें, जहां पर एक्साइज इंस्पेक्टर के कत्ल केस में भी बड़ी पेशरफ्त हुई है। रुदनपर अली खोसो और मोर खोसो के कत्ल केस के इल्जाम में 2 मुलजमान जुमा रहमो जिन्हों मरी पुलिस के हाथों गिरफ्तार, मजीद तफ्तीश जारी। न्यूज स्टूडियो से फिल्म खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए। हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।